अपनी सूझबूझ और अपनी राजनीतिक कौशल के कारण ये राजस्थान की सरकार पिछले 5 साल चल पाई का एकमात्र किसी को दिया जा सकता है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ और ये मुख्यमंत्री हैं, पर मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखा है कि व्यक्ति जब जिम्मेदारी लेता है तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना कितना कठिन होता है, और जिस मुकाम पर ये पहुंचे हैं उस मुकाम पर किस परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं ये यही जानते हैं और इनका मन ही जानता। मुझे पता नहीं कि कैसे इस संघर्ष के समय में सब चीजें करने के बाद भी राजस्थान को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करें। दो साल कोरोना हो गया और कोरोना में जिस तरह का प्रबंधन किया, विश्वास, लोगों का विश्वास साथ लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोगों, धर्म के साधुओं को, सबको लेकर जिस तरह से इस कठिन परिस्थिति में इस प्रदेश को निकाला है, वो भी बिरले आदमी काम कर सकते जो काम एक राजनेता के रूप में करते। और आज मैं जो एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज मैं इसलिए सारी भूमिका बना रहा हूँ, मैं बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला होगा, मुझे सौभाग्य मिला है। एंटरप्रेन्योर का जिसने कॉन्सेप्ट दिया मिस्टर मैक्लेलन, उस मैक्लेलन को से मुझे मिलने का अवसर मिला। मेरे टीचर थे IIM अहमदाबाद में, मुझे उदयपुर से मनोविज्ञान में प्रोफेसर के बाद IIM अहमदाबाद में गए डॉक्टर उदय पारिक, तो उनके कारण मुझे अहमदाबाद में जाने का अवसर मिला। और मैक्लेलन जिसने एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट दिया, उनसे मेरा इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तब मैंने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का एपिसोड चल रहा था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया था। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है, और ये सौभाग्य है कि मैं इतने एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ देख रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मरुधरा के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी अपनी क्षमता है अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में, अलग अलग फील्ड में, उन्होंने एंटरप्रेन्योर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये जोधपुर जहाँ पानी की कमी थी, ये जोधपुर जहाँ जमीन जहाँ पर बरसात नहीं होती थी, वहां पर एंटरप्रेन्योर स्किल के कारण आज इतने बड़ी तादाद में आप इकट्ठे हुए हैं इस इलाके में। लोगों में जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, इसीलिए कहते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर मैक्लेलन तो बात में है। तो मारवाड़ के लोगों ने जिन कठिन परिस्थितियों में अपना जगह छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मैं गहलोत साहब जानते, मैं इंचार्ज था नॉर्थ ईस्ट का, तो नागालैंड में चले जाओ, मिजोरम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट का इलाका नहीं है जहां पर मारवाड़ी लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और आज तो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, आप प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। उस समय कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे लोग नागालैंड गए होंगे, किस तरह से अपने जोधपुर छोड़कर और आप दिल्ली और दिल्ली से शिलोंग और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर इंटीरियर में, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वहां पर भी आपको मारवाड़ी मिलता है। तो जो स्किल है एंटरप्रेन्योर स्किल, ये मैक्लेलन ने तो बाद में आइडेंटिफाई की, और हमारे यहाँ जो ये स्किल थी वो बहुत पहले से थी, और इसी स्किल का एक डेमोन्स्ट्रेशन आज मुझे यहाँ देखने को मिला। इसलिए मैं प्रयाग जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे नहीं मिला थे तो सामूहिक रूप से मुझे इतने एंटरप्रेन्योर्स की एंडोर्समेंट करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर्स न केवल अपनी खुद की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाकर अपनी समृद्धि करता है, सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है, और आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। गहलोत साहब के लिए मैं कह रहा था कि आपका गहलोत साहब का एक पिक्चर ही बहुत लोगों को मालूम है कि सोशल सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मैं कहता हूं कि इसका दूसरा एस्पेक्ट है जिसको बहुत लोगों ने कम टच किया, सुनील जी ने भी टच किया। क्या हमें मालूम है कि राजस्थान में इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी यही है, पर सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की। और आज कल्पना कीजिए कि 98 में कितना बिजली का जनरेशन था, और आज 43 साल में 3 बार के मुख्यमंत्री ने जो जनरेशन किया है इलेक्ट्रिसिटी का किया है, ये नहीं करते तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कल्पना करने हम कल्पना नहीं करते। आज हम ये कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि ग्रीन एनर्जी के संबंध में जो सोलर एनर्जी के बारे में जो पॉलिसी बनाई है, उस सोलर एनर्जी की पॉलिसी के कारण दुनिया के और हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आकर ये जो हमारा इलाका है रेगिस्तान का इलाका, जहाँ जमीन है जहाँ पानी नहीं है, उसकी भी क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे एक सोलर हब बने हिंदुस्तान का राजस्थान, वो भी डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया। सूरतगढ़ में जो पावर के जनरेशन के काम किए हैं, वो लोगों को कम मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी कर रहा है,
जो अभी लोगों को कम लोगों को मालूम है, उनको ये मालूम है कि अशोक गहलोत जी ने सोशल सेक्टर में बड़ा काम किया, सबको मालूम है, बड़े आदमी की पेंशन की, लोगों के जीवन रक्षा के लिए चिरंजीवी योजना है की, सब चीजें की, एक आस्पेक्ट है। पर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम है, उसमें एक सबसे बड़ा काम होता है कि हम कैसे बिजली को जनरेशन करने का काम करें, और वो काम करके डेमोंस्ट्रेट किया, चाहे सूरतगढ़ के बिजली